मुरादाबाद पहुंचे एडीजी बरेली जोन राजकुमार ने मुरादाबाद महानगर का निरीक्षण किया और सभी धर्मगुरुओं से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुरादाबाद में जुमे की नमाज के बाद हुई घटना के बाद शांति व्यवस्था भंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। हमारा यही मकसद है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, ऐसे में शांति व्यवस्था भंग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सभी लोग पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, साथ ही शहर देश प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी लोग अपना सहयोग करें। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मुरादाबाद में नमाज के पश्चात काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और नारेबाजी की, उसको पुलिस ने तुरंत ही सिचुएशन को नियंत्रित किया। और ऐसे लोग जो शांति व्यवस्था भंग करेंगे, ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम सभी का, पुलिस प्रशासन का यह पूरा प्रयास रहता है कि सभी संभ्रांत लोगों से, धर्मगुरुओं से हम वार्ता करके हम ये सुनिश्चित कराएं कि शांति व्यवस्था शहर में बनी रहे। और शांति व्यवस्था बाधित करने के लिए जो भी तत्व हैं, वो कोई भी गड़बड़ी करेंगे, उनसे उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोग आने वाले दिनों में भी ऐसे तत्वों को चिन्हित करा रहे हैं, जो लोग उकसाने वाले हैं, भीड़ को उकसाते हैं, ऐसे मौके पे उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, वो सभी हमारे पास वीडियो फुटेज है। इसके अलावा हमारे जो लोकल पुलिस वहाँ पर मौके पर थी, उन सभी से बातचीत करके सही लोग चिन्हित होंगे और उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पॉलिटिकल एंगल है कोई, एएमएम का नाम आ रहा है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ संज्ञान में नहीं आया है। और जो भी तत्व आइडेंटिफाई होंगे, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपने एफआईआर कॉपी एक बार वॉच कर ली है? हाँ, ठीक है, एफआईआर कॉपी, कल मुकदमा कायम हो गया है उसमें, और कड़ी कार्रवाई करेंगे। पार्टी के नेता का तो इसमें कोई नाम हम लोग देख लेंगे उसको, जो भी पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, किसी भी पार्टी के लोग इन्वॉल्व रहेंगे, उनके विरुद्ध हम लोग, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।